हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें तो अभी थूक जिहाद के मामले वो तेजी से चल रहे हैं, चाहे से फल पे थूकने की बात हो, चाहे से रोटी में थूकने की बात हो, कभी वीडियो सामने आता है ब्रेड पे थूकते हुए, कभी किस पे थूकते हुए। आखिर ये थूक जिहाद करने वाले अब्दुल कब मानेंगे? ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया जिसके अंदर यहाँ पे अब्दुल है वो रोटी में थूकते हुए दिख रहा है, और इस बार यहाँ पे अब्दुल को एक दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता तो हाँ बिल्कुल ऐसा ना होता है, ऐसा होने लगा थूक लगाकर रोटी बनाने का। एक और मामला जो सामने आया ये है भाटिया रोड के पास में पवन सिनेमा के सामने चमेली देवी धर्मशाली वाली मार्केट में जो शराब का ठेका है उसके बराबर यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है चिकन पॉइंट। और ये देखिए न्यूज सामने आ गई है, रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तंदूर में लगाने से पहले रोटी पर थूकने का एक और वीडियो वायरल हो गया। मामले में हिंदू रक्षा दल की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है तमीजुद्दीन नाम है, लेकिन तमीज नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखा आपने चिकन पॉइंट नाम से यहाँ पे था बाहर चिकन पॉइंट, उस पे ये सब काम करते थे। और यहाँ पे हिंदू रक्षा दल ने यहाँ पे तमीजुद्दीन के साथ साथ ढाबा संचालक है शादाब और साहिल, इनको भी यहाँ पे गिरफ्तार करवाया है। खैर आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरह से थूक लगा लगा कर कभी रोटी बेचते हैं, कभी फल बेचते हैं, कभी क्या बेचते हैं? आखिर इनको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जाती, ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले भी कोई सोचे? आपका जो भी कहना है नीचे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाओ। और जाने से पहले काम जरूर कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटी के निशान है उसको जरूर दबा दे, ताकि ना हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।